सो हे एवरीवन, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐश के टॉप 5 कंपेनियंस के बारे में दोस्तों। तो कंपेनियंस इसका मतलब जो कि ऐश के साथ अभी अभी ट्रैवल कर चुके हैं इतने सारे, मतलब इसके स्टार्ट से लेकर अभी तक की जर्नी में जो जो लोग उसके साथ ट्रैवल कर चुके हैं, मैं उन्हें रैंक करने वाला हूँ 5 से लेकर 1 तक। यानी जैसे उन लोग ने ऐश का साथ दिया था, वैसे हम उन्हें रैंक करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सो दोस्तों, होप सो तुम लोग आज का वीडियो पसंद आएगा। और अगर तुम्हारे पास तुम्हारा कोई लाइनअप है इस टॉपिक के रिलेटेड, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जाकर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5 पे आता है क्लेमेंट। दोस्तों, क्लेमेंट को नंबर 5 के स्पॉट पे इसलिए रखा क्योंकि यार क्लेमेंट ने ऐश का साथ दिया था पूरे कार्लोस रीजन में। जी हाँ, एंड तक, यानी कार्लोस मतलब जो ग्रेट बैटल होता है कार्लोस का फाइनल वाला, उस तक उसका साथ दिया होता है। तो दोस्तों, होता है कि क्लेमेंट जो है वो भी एक जिम लीडर होता है। सो वो अपने जिम में एक रोबोट फिट करके जाता है जिसका मतलब जिसका ये रहता है इनिशिएटिव कि अगर तुम्हारे पास 4 जिम मैचेस है तो ही तुम इस जिम में बैटल कर सकते हो। तो उसके बाद वो बाहर निकल जाता है उधर से उसको रख के, और उसके बाद जो ऐश वो मिलता है, फिर उसके बाद वो ऐश के साथ सफ़र करना स्टार्ट कर देता है दोस्तों। तो ऐश को पता नहीं लगता कि ये एंड तक ये क्लेमेंट है, पर जब ऐश एक्चुअली में उसके जिम पे पहुंचता है तब उसको जाके पता चलता है कि क्लेमेंट ही इस जिम का लीडर है, और जो उसके साथ बंदा अब तक ट्रैवल कर रहा था वो एक जिम लीडर है। और दोस्तों, क्लेमेंट जो है अपने में ही एक साइंटिस्ट है, वो साइंस को बहुत मानता है और अपने अनोखे अनोखे गैजेट्स बनाता रहता है, और उसके हमेशा की तरह उसके गैजेट्स हमेशा की तरह वर्क नहीं करते और फूट जाते हैं इसलिए। और क्लेमेंट एक बहुत ही अच्छा कंपेनियन है ऐश के जर्नी का अब तक का, क्योंकि उसने उसका बहुत साथ दिया है ऐश का, उसे बहुत सारी चीज़ें अचीव करने में मदद की है। और जो ऐश ग्रीन निंजा जो फॉर्मेशन है वो भी क्लेमेंट की वजह से ही ऑलमोस्ट हो पाया है, क्योंकि क्लेमेंट ने एक डिवाइस बनाया था दोनों के लिए जिससे मतलब दोनों में अंतर बढ़ जाए। तो इसलिए मैंने क्लेमेंट को नंबर 5 का स्पॉट दिया हुआ है। नंबर 4 डॉन। दोस्तों, डॉन को नंबर 4 की लिस्ट में इसलिए रखा क्योंकि यार डॉन ने पूरे शनो रीजन में ऐश का एकदम से स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है उसका साथ दिया था। तो दोस्तों, ऐश डॉन से कब मिला था? जब वो शनो रीजन में आता तो एज यूजुअल डॉन साइकिल पे थी और ऐश ने किसी तरीके से मतलब किसी हेल्प के लिए उसकी साइकिल ली और उसकी साइकिल जला दी, और वैसे ही कुछ हुआ रहेगा डॉन के साथ भी। और उसके साथ डॉन जब उसके साथ मतलब सफ़र करना चालू हो गई तो वो उसका सफ़र एंड तक निभाई उसके साथ, यहाँ शिनो रीजन के एंड तक। और डॉन एक बहुत ही अच्छी कंपेनियन है मैं कह सकता हूँ, क्योंकि दोनों ने बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉन को बनना था पोकेमोन मास्टर, फिर उसे पता चला उसे शोज करना बहुत पसंद है तो फिर वो उस लाइनअप में चली गई। और बीच में वो लोग ने पोकेमोन ट्रेडिंग भी की थी, ऐश ने अपना एक बॉम्ब डॉन को दिया और उसने उसका ब्यूजल लिया, क्योंकि जो ब्यूजल है उसे फाइटिंग में इंटरेस्ट था ना कि परफॉर्मिंग में, और ए बॉम्ब को परफॉर्मिंग में इंटरेस्ट था ना कि फाइटिंग में, और बाद में जाके ए बॉम्ब भी एम बॉम्ब में विकसित हो जाता है। सो ऐसा कुछ सफ़र था डॉन का और ऐश का, तो इसी वजह से मैंने डॉन को नंबर 4 का स्पॉट दिया है। नंबर 3, दोस्तों नंबर 3 पे आता है ट्रेसी। दोस्तों, ट्रेसी को नंबर 3 के स्पॉट पे इसलिए क्यों रखा है क्योंकि यार वो भी एक बहुत ही अच्छा कंपेनियन था, ऐश की बहुत मदद करता था ऑरेंज आइलैंड्स में, तो उसने पूरा ऑरेंज आइलैंड्स का सफ़र ऐश के साथ बिताया था और अभी भी बिताता है, क्योंकि अब जब भी ऐश वापस पैलेट टाउन जाता है तो वो ट्रेसी से मिलता है। जी हाँ, तो ऑरेंज आइलैंड में ब्रॉक जो है वो उस प्रोफेसर के साथ रुक जाता है, तब मिस्टी और ऐश बच जाते हैं। तो ऐश लैप्रेस पकड़ लेता है और उसके साथ साथ ट्रेसी जैसा एक कंपेनियन दोस्त भी बना लेता है जो उसका साथ देता है। और दोस्तों, ट्रेसी का एक मतलब ट्रेसी का सपना रहता है कि वो एक प्रोफेसर बने या फिर प्रोफेसर के साथ काम करे, तो प्रोफेसर ओक ने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया और ट्रेसी को ड्राइंग्स बनाना बहुत पसंद था पोकेमॉन्स की वजह से, तो वो एक टाइप ऑफ रिसर्चर भी था और बहुत ही अच्छा कंपेनियन था, दोस्त था और बहुत ही अच्छा पार्टनर भी कह सकते हो। सो इसी वजह से मैंने ट्रेसी को जो है नंबर 3 का स्पॉट दिया हुआ है। नंबर 2, सरीना। तो दोस्तों, सरीना को स्पॉट पर रखना ज़रूरी था क्योंकि यार सरीना कहते हैं ना ऐश के सफ़र की बेस्ट एवर पोके गर्ल भी है और बेस्ट एवर पार्टनर भी कह सकते हो अगर वो रिलेशनशिप में आ जाते तो वो बात अलग है, अगर लास्ट में क्या हुआ था वो अगर तुम्हें पता है तो इट्स ऑल इन गुड, पर सरीना को ऐश पे क्रश था तो उसने उसका बहुत साथ दिया यार सरीना ने ऐश का, और उस
ऐसे ऐसे बहुत सारे एपिसोड है। ऐसा एक और एक एपिसोड है जिसमें सरीना ने ऐश के कपड़े पहन के बैटल भी किया था उसके, जब ऐश बीमार था तभी, आई डोंट नो फिर ऐश को क्या कहना आया था, बट लीव इट असाइड। सरीना एक बहुत ही अच्छी कंपेनियन हो सकती है और फिर है ही, क्योंकि ऐश उसके साथ उसका बहुत ही अच्छा जमता था और यानी उनकी फ्रेंडशिप भी बहुत ही अच्छी थी, बट उनसे अच्छी नहीं थी जो नंबर वन के स्पॉट पे। सो इसलिए मैंने सरीना को नंबर टू का स्पॉट दिया क्योंकि वो वेल डिजर्विंग है। अब मैं और कुछ नहीं कह सकता, तुम लोगों को पता है सरीना के बारे में। सो नंबर वन स्पॉट पे आते हैं वो दोनों शख्स जो ऐश के एकदम स्टार्टिंग के जर्नी से उसके साथ है, वो है ब्रॉक एंड मिस्टी। दोस्तों ब्रॉक एंड मिस्टी को मेरे को नंबर वन स्पॉट पे रखना ही था क्योंकि यार दे आर वेल इम्पोर्टेंट इन द पोकेमॉन सीरीज अलोला तक, क्योंकि यार गाइस मिस्टी ने उसका साथ दिया जोटो तक यस, और बीच में वो आई थी शिनो रीजन में भी और हुएन रीजन में भी, और ब्रॉक जो है वो उसका साथ देता है फुल टू फुल शिनो रीजन के एंड तक। जी हाँ दोस्तों, और यही नहीं बात ख़त्म होती तो मिस्टी और ब्रॉक अलोला रीजन में भी रिटर्न आते हैं, मतलब समझ सकते हो यार ये दोनों अगर किसी के ऐसे दोस्त अगर किसी के ज़िंदगी में होना यार वो बंदा कुछ भी कर सकता है, और वो तुमने देखा है ऐश ने अलोला रीजन जीत लिया, यानी अलोला लीग चैम्पियनशिप जीत लिया फाइनली आफ्टर 22 ईयर्स। तो मिस्टी और ब्रॉक को इस लिस्ट में नंबर वन की स्पॉट बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग है क्योंकि यार वो दोनों बहुत अच्छे कंपेनियंस और दोस्त हैं ऐश के, मतलब अगर अभी जो गलियार का सीजन चालू है यार उसमें भी अगर उन दोनों को लाओगे ना यार बंदों में हाइप बढ़ जाएगी यार। सो अगर कोई देख रहा है तो इसलिए मैंने नंबर वन स्पॉट पर मिस्टी और ब्रॉक को रखा है क्योंकि वो दोनों वेल डिजर्विंग है। जो इस लोग आज के वीडियो पसंद आया होगा, अगर तुम्हें पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हम 20K के बहुत करीब हैं, और बेल आइकन दबाना ताकि मेरे रिसेंट से वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम लोगों को जल्दी से मिल जाए। और गाइज अगर तुम्हारे पास कोई और लाइनअप है इस टॉपिक पे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और थॉट्स भी बताना इस वीडियो के बारे में कि तुम्हें कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो तब तक के लिए देन, मिलते हैं तुम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायनारा।